आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो विश्वास करें आपको कभी भी दांतों की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो स्वागत है आपका आपके चैनल बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू में। आज मैं आपके लिए दांतों की सभी बीमारियों का, जैसे दांतों का हिलना, दांतों में कीड़ा मीन्स केविटी लगना, दांतों का पीलापन, दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन व टीस, खुले मसूड़ों से खून निकलना तथा दांतों में पायरिया रोग का होना जैसी दांतों व मसूड़ों की सभी बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ रामबाण आयुर्वेदिक घरेलू और बहुत ही आसान इलाज लाई हूँ। यह आयुर्वेदिक इलाज बहुत लोगों का आजमाया हुआ अनुभूत इलाज है। इस इलाज के मात्र 7 से 15 दिन के प्रयोग से ही रिजल्ट आप स्वयं देखोगे। इसके बाद आप चाहो तो ताउम्र यानी हमेशा यह इलाज अपना सकते हो, क्योंकि बहुत लोग वर्षों से ये इलाज कर रहे हैं और उनके 70 से 80 साल के होने के बावजूद भी सारे दांत सही व सुरक्षित हैं। और आप चाहो तो 2-3 दिन में एक बार भी कर सकते हो। इलाज बहुत ही आसान है व सामग्री भी आपके घर पर ही मिल जाएगी। आप विश्वास करें, फर्स्ट दिन से ही आपको आपके दांतों की बीमारियों में, बीमारी चाहे कोई सी भी हो, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो बिना देर किए जानते हैं वह आयुर्वेदिक इलाज क्या है। इसके लिए आपको चाहिए 1 सेंधा नमक, 2 सरसों का तेल। सेंधे नमक को मैदे की तरह बारीक पीस लीजिए व कपड़े से छानकर किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें। उसके बाद डेली प्रातः 2 ग्राम यह सेंधा नमक लें व उसमें 4 गुना सरसों का तेल डाल दें। इसके बाद अपनी अंगुली से मसूड़ों व दांतों की हल्के हल्के से अच्छी प्रकार मालिश करें व अंत में हल्के हाथों से मंजन की तरह दांतों को साफ करें। फिर सादे व गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। बस यह आसान इलाज आपको सुनने में बहुत ही सरल व सस्ता लग रहा होगा, परंतु यह इलाज दांतों की सभी प्रकार की बीमारियों का रामबाण इलाज है। आप 7 दिन करके तो देखें, आप स्वयं महसूस करोगे कि धीरे धीरे आपके दांतों की बीमारियां दूर हो रही है। उपरोक्त विधि से कुछ दिन लगातार दांत साफ करने से दांतों का ठंडा गर्म और खट्टा लगना समाप्त हो जाता है। हिलते दांत सुदृढ़ व मजबूत हो जाते हैं। काली पपड़ी नहीं जमती। दांतों के कीड़े नष्ट होते हैं। दांतों का दर्द व मसूड़ों की सूजन दूर होती है। फूले मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाता है। निरंतर करने से पायरिया जैसा रोग तक समाप्त हो जाता है। दांत मोतियों जैसे चमकदार हो जाते हैं। वैसे क्या आपने यह कहावत नहीं सुनी, नमक महीन लीजिए, अरु सरसों का तेल, नित्य मले दिसन मिटे, छूट जाए सब मेल। आयुर्वेदा में तो कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बचपन से रोजाना एक बार अथवा 2-3 दिन में एक बार भी यह प्रयोग कर ले, यानी सेंधे नमक व सरसों के तेल से दांतों व मसूड़ों पर मालिश करते हुए मंजन की तरह इस्तेमाल कर ले, तो उसे आजीवन किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो आज से ही यह इलाज शुरू करें, आयुर्वेद पर यकीन करें और दांतों की सभी बीमारियों से दूर रहें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी नॉलेज पसंद आएगी। मिलती हूँ आपसे फिर से एक और शानदार नॉलेज के साथ। स्वस्थ रहें, सफल बने। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।